नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र सर श्रीजी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, कल अपन ने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंट पढ़ा। पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंट का मतलब होता है आपका विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं? किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव का अंतर पोटेंशियल डिफरेंट कहलाता है, या आप इसको विभवांतर के नाम से जाना जाता है। तो अपन ने यहाँ पर देखना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंट है पीडी, इस पीडी को आप विभवांतर के नाम से जान रहे हो। ये जो आपका जो सर्किट था, इस सर्किट के अंदर आपने यहाँ पर जो स्विच लगाया, इस स्विच के अंदर देखो, अपन ने इसको सप्लाई देने के लिए यहाँ पर एक बैटरी जोड़ी और इसकी सप्लाई दी, ठीक है। ये यहाँ पर मान लीजिए भार, मान लीजिए इसके जो सिरों पर उत्पन्न होता है वो वोल्टेज ड्रॉप, वो आपका क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंट कहलाता है। इसके अंदर करंट क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है, दिख रहा है डायग्राम के अंदर? तो ध्यान रखना, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट किसे कहते हैं? किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव का अंतर क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंट कहलाता है। यहाँ पर बात करूंगा मैं विभवांतर, विभवांतर की इकाई, विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। और अगर इसका मैं क्वेश्चन की बात करूंगा न्यूमेरिकल, तो अपन उसको भी और पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट लाइन है, विभव का मान हमेशा समान होता है जबकि विभवांतर का मान हमेशा परिवर्तित होता है। ये लाइन याद रखना आपको, वेरी मोस्ट लाइन है, विभव का मान हमेशा समान होता है जबकि विभवांतर का मान परिवर्तित होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है वो क्या होता है? चालक जो तार होता है उसके माध्यम से क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर प्रतिरोध होता है, इसी कारण क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। लेकिन जो विभव होता है, विभव का मान जो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। तो ये आपको याद रखना है, इसको आप उतार लेना, नोट कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। अब मैं बात करूंगा EMF। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आपका क्या होता है हिंदी में बोलेंगे तो? विद्युत वाहक बल। तो EMF की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? देखो, सबसे आसान तरीका ऐसा है जिसको आप आसानी से बोला जा सकता है, देखना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने वाला बल क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। यहां पर बात कर रहे हैं अपन, डेफिनेशन लिख देते हैं, किसी बंद डीसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने वाला बल EMF कहलाता है। यानी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को गति कर रहा है, प्रदान कर रहा है, वह आपका EMF कहलाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर सेकेंड, एक और जो डेफिनेशन है उसकी बात करेंगे तो क्या होती है? किसी परिपथ में विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला बल क्या कहलाता है? आपका विद्युत वाहक बल। तो यह लगा कि मैं दूसरी डेफिनेशन लिख दूंगा,
किसी परिपथ में विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ये सेकंड जो डेफिनेशन है ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही वेरी मोस्ट होता है, क्योंकि विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला जो बल होता है वही आपका ईएमएफ कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन को गति कौन प्रदान कर रहा है? ईएमएफ। तो दोनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है। हम बात करेंगे यहाँ पर कि विद्युत वाहक बल का जो प्रतीक होता है, तो यहाँ पर देखना प्रतीक, विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या होता है आपका ई, क्या होता है ई। अगर मैं इसकी इकाई की बात करूँगा मैं, तो इकाई क्या होती है इसकी, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, वोल्ट। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आपका वोल्ट रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई भी आपके क्या होती है, वोल्ट होती है। और इसके अलावा विभव की जो इकाई की बात करेंगे तो उसकी भी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। तो इसको भी आप एक बार नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तो हुई अपने ईएमएफ की बात। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकता। चालकता किसे कहते हैं, देखना मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपकी कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को आप चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता। तो चालकता की जो डेफिनेशन होती है किसे कहते हैं, पहले डेफिनेशन तो सबसे आसान है आपका, एक ही लाइन के अंदर देखना, प्रतिरोध के विलोमानुपाती को, प्रतिरोध के विलोमानुपाती को चालकता कहते हैं। पहले डेफिनेशन तो आपके बहुत ही आसान है, प्रतिरोध के विलोमानुपाती को क्या बोलते हो आप, चालकता कहा जाता है। या मैं दूसरे डेफिनेशन की बात करूंगा तो देखना मेरे प्यारे साथियों, दूसरी जो आपकी डेफिनेशन होती है तो क्या होती है, वह गुण जो विद्युत धारा को सुगमता से प्रदान करता है या प्रवाहित होने देता है वह क्या कहलाता है आपका, कंडक्टेंस कहलाता है, चालकता कहलाती है। तो इसको भी लिखेंगे, वह गुण जो विद्युत धारा को सुगमता प्रदान करता है वह कंडक्टेंस कहलाता है। यहां पर याद रखना आपको, विद्युत धारा को जो सुगमता प्रदान कर रहा है वह आपका कंडक्टेंस कहलाता है। तो ध्यान रखना, देखना मेरे प्यारे साथियों, कंडक्टेंस का प्रतीक की बात करूंगा मैं, चालकता का प्रतीक, चालकता का प्रतीक क्या होता है, चालकता का जो प्रतीक आपका जी होता है, क्या होता है आपका जी। तो यहां पर देखो सूत्र की बात करूंगा मैं, तो जी बराबर 1/r। देखो ये आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये जी क्या होता है आपका, कंडक्टेंस होता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहली लाइन में आपको जो डेफिनेशन लिखा है, प्रतिरोध के विलोमानुपाती को आप कंडक्टेंस कहा जाता है। देखना ये आपका वन और ये आर, यानी रेजिस्टेंस का मात्र क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम। मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं ओम को ऊपर ले जाऊंगा तो यहां पर ध्यान रखना, ओम इनवर्स, इसे क्या बोलते हैं, माइनस वन को इनवर्स के नाम से जानते हैं। तो कंडक्टेंस की इकाई ओम इनवर्स भी होती है, ओम इनवर्स को ही महो
या साइमन कहते हैं, तो देखना यहां पर बात करेंगे चालकता का मात्रक महो या साइमन होता है। देखो ये जो महो है, इस महो को उल्टे ओम से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? उल्टे ओम से प्रदर्शित करते हैं। और साइमन को एस से, किससे करते हैं? साइमन को एस से। तो आपको ये याद रखना है कि कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है महो या साइमन, अगर पेपर के अंदर ये लाइन नहीं है, ये अगर मात्रक इकाई नहीं मिलता है तो आपका पेपर में ये भी मिल जाएगा ओम इनवर्स। ये ओम इनवर्स भी किसकी इकाई होती है? कंडक्टेंस की इकाई होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको भी आप उतार लेना, नोट कर लेना, पेन कॉपी को हमेशा साथ रखना, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपको न्यूमेरिकल करवाया जाता है तो उसको हैंड टू हैंड आपको उतारना चाहिए। उतारो। अब बात करेंगे अपन चालकता का बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है? तो यहां पर लिखेंगे चालकता का बढ़ता हुआ क्रम। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है? चांदी की, फिर तांबा, फिर सोना और एल्यूमिनियम। अगर अपन बात करें चालकता का बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे ज़्यादा चांदी की चालकता, फिर तांबे की, फिर सोने की, फिर एल्यूमिनियम की। अगर मैं इसके स्थान पर ऐसे बात करता कि प्रतिरोध का बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है? एल्यूमिनियम का, फिर सोने का, फिर तांबे का, फिर चांदी का। तो अभी बात कर रहे हैं अपन चालकता का बढ़ता हुआ क्रम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम, SCGA। क्या होता है? SCGA। यहां पर बात करेंगे चालक धातुओं का, चालक धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है। तो ये भी आपको याद रखनी है, ये जो चालक धातुएं होती है, इन चालक धातुओं का तापमान बढ़ने से क्या होगा? रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहां पर बात करूंगा R समानुपाती T, ये आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। उस अवस्था में क्या होगा? आपका कंडक्टेंस क्या होगा? घटेगा। यहां पर देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब प्रतिरोध भी बढ़ेगा तो उस अवस्था में क्या होगा? कंडक्टेंस, आपकी चालकता क्या होगी? घट जाएगी। तो यहां पर यह याद रखना R, T और G, यानी आपका प्रतिरोध बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है? टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। उस अवस्था में क्या हो रहा है? कंडक्टेंस क्या हो रही है? घट रही है। तो आपको याद रखना जब ये दोनों बढ़ेंगे तो उस अवस्था में क्या होगा? कंडक्टेंस आपका क्या होगा? घट जाएगा। तो इसको भी मेरे प्यारे साथियों याद रखना है, नोट करो इसको भी। अब बात कर रहे हैं हम विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? तो सबसे सरल परिभाषा में बात कर रहे हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध का विलोमानुपाती। क्या कहलाता है आपका?
विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का जो आपका प्रतीक होता है वह आता है आपका सिग्मा। तो देखना इधर, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के विलोमानुपाती को, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोमानुपाती को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये बहुत ही वेरी मोस्ट है, विशिष्ट चालकता का जो प्रतीक होता है, तो यहां पर मैं बात करूंगा प्रतीक, विशिष्ट चालकता का प्रतीक आपका क्या होता है? सिग्मा। ये जो आपका सिग्मा है, सूत्र क्या है? सिग्मा बराबर 1/ρ, सिग्मा बराबर 1/ρ। ये रो क्या है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है और ये सिग्मा होता है। यहां पर देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। तो यहां पर देखना मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं ओम को ऊपर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स बटे मीटर। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स बटे मीटर। तो ये आपकी किसकी इकाई होती है? विशिष्ट चालकता का। और ओम इनवर्स को ही आप महो या साइमन के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहां लिख दूंगा, विशिष्ट चालकता की इकाई, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? याद रखना, महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर। मैं इसको महो को उल्टे ओम से प्रदर्शित करता हूं। यहां पर महो को उल्टे ओम से प्रदर्शित किया जाता है। ये अगर मीटर को आप एम लिखा जाता है, उसी प्रकार आपका साइमन को एस बटे एम। तो महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर, ये दोनों ही इकाई किसकी होती है? विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता का जो आपको मात्रक दिया गया है वो आपको यहां पर मैंने बता दिया है। तो आप इसको भी जल्दी से नोट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल अपना करते हैं। न्यूमेरिकल देखो क्या है, किसी चालक तार में 16 मिली एम्पियर, किसी चालक तार में 16 मिली एम्पियर धारा 5 मिनट तक प्रवाहित किया जाए तो उस चालक तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ये आपका एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है। चालक तार में 16 एम्पियर धारा प्रवाहित किया जाए तो 5 मिनट तक, कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। तो आपको याद है आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्या होता है आपका सूत्र? आई बराबर क्यू अपॉन टी। मैं क्यू बराबर एन ई लिख सकता हूं, क्योंकि एन इसलिए लिखा गया है कि आवेश का रूपांतरित,
आवेश का रूपांतरित इलेक्ट्रॉन के रूप में, किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, होता है। तो यहां पर देखना, आई का आई लिखा और इसके स्थान पर मैंने क्या लिखा, एन ई बटा टी, एन ई बटा टी। तो यहां पर मैं देखो एन ज्ञात करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, आई टी बटे ई, क्या हो जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एन बराबर आई टी बटा ई। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, आई का मान कितना है, करंट का मान कितना है, एन बराबर करंट का मान है आपका 16 मिली। 16 मिली का मतलब होता है 16 × 10⁻³। और कितने मिनट, तो मिनट को हम इसे किस में नापते हैं, सेकंड में, तो 5 × 60 मिनट, कितना, 5 × 60 मिनट। तो देखो यहां पर बटे में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.602 × 10⁻¹ कूलम, कितना आ जाएगा बटे में, 1.602 × 10⁻¹ कूलम। तो यहां पर देखना, ये आपका 16 है, इस 16 के साथ मल्टीप्लाई किसको करूंगा, 60 को 5 से इंटू किया, कितना हो गया, 6 × 5 = 30, यानी 300। तो मैंने 16 लिखा, 6 × 5 = 300 लिखा, इंटू ये 10⁻³ कितनी है, माइनस के 3। और जब किसी भी बटे के अंदर अगर संख्या नीचे घात में दी जाती है, उसको आप ऊपर लेंगे तो हमेशा क्या होगा, जो माइनस का होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो इंटू 10⁻³ बटा नीचे क्या बचा, 1.6 मान लेता हूं मैं। अब यहां पर देखो ये 1.6 है, यदि अगर आपने इसमें से पॉइंट हटाया, ये देखो पॉइंट हटाया तो यहां पर एक जीरो लगाया, तो यहां पर मैं लिखूंगा 160 × 300 × 10⁻³ में से 10³ माइनस की 3 गई तो कितना बचा, 10⁻⁙। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका 16, देखो 16 का भाग 160 में कितनी बार गया, 1 × 16 = 16 = 10। तो यहां पर क्या बचा आपके, यहां पर जो आपका जो मान बचेगा वो देखना, 3 × ये कितनी जीरो है, 3 0, ये कितनी जीरो है, 3 0, और ये 10⁻⁶ है, तो 10³ 3 और 10⁻⁶ जुड़ेगी, कितना हो जाएगा, 10⁻⁹। तो यह आपका आंसर है, कितना आया, 3 × 10⁻⁹ आपका आंसर आया। तो इसको भी आप उतार लेना, इस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल पेपर के अंदर आते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप नोट करिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।